हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विशाल। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम एचपी पुलिस एंड फर्स्ट गार्ड का साइंस का पार्ट एट करेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हम आज 20 क्वेश्चन करेंगे ओनली, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चन को आप जरूर करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर रहेगा कैल्शियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिबुला एवं टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, टांग में। तो फ्रेंड्स, ये टांग में पाई जाती है, फिबुला एवं टिबिया नामक हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 24। तो मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों का बाहरी आवरण एनामेल किसका बना होता है? तो फ्रेंड्स, वो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षीय एक्सियल कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 80। तो फ्रेंड्स, एक्सियल यानी कि अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यस्क मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियाँ कितनी होती हैं? तो फ्रेंड्स, वो होती हैं 206। ये भी इसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसको जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ना नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा भुजा यानी कि बाजू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अस्थि क्रमशः है कौन कौन से हैं? तो वह हैं स्टेबिज एवं फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशुओं की हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 300। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा दंतवल्क यानी कि इनेमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोसाइट पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स, वो पाए जाते हैं बोन में यानी कि हड्डियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियाँ पाई जाती हैं? तो फ्रेंड्स, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा 639। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डी को हड्डी से परस्पर कौन जोड़ता है? हड्डी को हड्डी से परस्पर कौन जोड़ता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा स्नायु यानी कि लिगामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडिटोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो फ्रेंड्स, वो है दांतों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है पटेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थियों को मांसपेशियों से आपस में कौन जोड़ता है? तो इसका आंसर है टेंडन यानी कि कड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपांगीय कंकाल में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो वो होती हैं 126। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कितने दांत दो बार निकलते हैं? तो फ्रेंड्स, वो है उनकी संख्या है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुढ़ापा में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है कैल्शियम की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स, ये है, एक व्यस्क मनुष्य की कशेरुक दंड वेरिटेबरल कॉलम में या रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो वो होती हैं 26। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। धन्यवाद।